Hello everyone. So today we are going to start with the chapter of cost sheet, and before starting the chapter, this is the format which is very important, because unless and until you learn this format, you cannot solve the practical questions. And since this chapter is very important, because the base of this chapter will be considered for the next chapter, which is called as रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. तो ये जो फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का, ये आपको बायहार्ट करना है, लेकिन हम कुछ सिंपल तरीके से इसको याद रखेंगे. बिकॉज अगर आप बुक्स पे देखोगे तो बुक्स में दो दो पेजेस का फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल है. सो मैं कुछ आपको सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप ये फॉर्मेट को ईजी तरीके से आप याद रख सकोगे. सो कॉस्ट शीट के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कॉस्ट शीट होता क्या है. तो कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट. सो जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, उसको प्रॉपरली डिवाइड किया जाता है, उसको प्रॉपरली बाइफर्केट किया जाता है इनटू वेरियस हेड्स, ताकि हम हमारे एक टाइप के ओवरहेड्स पे हमारा कितना एक्सपेंसेस है वो इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर सके. सो बेसिकली अगर हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है. सबसे पहले हमें तीन पॉइंट याद रखने हैं. सो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट तो लिखा ही है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तीन पॉइंट, वन इज डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड इज डायरेक्ट वेजेस, एंड थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो साइड बाय साइड में आपको छोटा सा फॉर्मेट जो आपको याद रखने के लिए काफी ईजी रहेगा वो हम साइड बाय साइड देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मटेरियल्स. तो डायरेक्ट मटेरियल्स में क्या क्या कवर होगा? तो डायरेक्ट मटेरियल्स इंक्लूड्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट, कैरेज इनवर्ड. ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे और इन सारे पॉइंट्स को हमें ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स को हमें डिडक्ट करना है. कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मटेरियल्स डायरेक्टली अमाउंट दिया जाता है, but when amount is not available in the question, this is the method to calculate, and that is opening stock of raw materials, add purchases, add all expenses related to the materials, carriage inward, freight, और उसमें से हमें closing stock को deduct करना है. Then we will get the answer as net materials consumed, जिसको आप direct materials consumed भी बोल सकेंगे. तो सबसे पहला step हमें कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मटेरियल. तो जो भी आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा वो डायरेक्टली दिया होगा. अगर डायरेक्टली नहीं दिया तो आपके क्वेश्चन में से हमको कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट इज डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव नेम्स है. आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर. डायरेक्ट वेजेस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्टिव वेजेस. तो डायरेक्ट वेजेस दिया होगा, प्रोडक्टिव वेजेस दिया होगा, या फिर डायरेक्ट लेबर भी दे सकते हैं. सो ये पॉइंट आपके क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, इसको भी हम लिखेंगे. देन द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द पॉइंट सच एज रॉयल्टी. तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे क्वेश्चन में वो हम लिखेंगे. जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे बहुत सारे एक्सपेंसेस वहां पे आते जाएंगे. तो ये हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख दिया. अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट. सो इफ यू ऐड ऑल दिस थ्री यू विल गेट द आंसर एज प्राइम कॉस्ट. तो यहां पे भी देखो मैंने सारे एक्सपेंसेस को ऐड किया. डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो हम अगर तीनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज प्राइम कॉस्ट. फर्दर प्राइम कॉस्ट के बाद आपको ऐड करना है ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स. आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म. यहां पे फुल फॉर्म आपके पास अवेलेबल है फॉर्मेट का. एड फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री को रिलेट करेंगे. सो आई हैव टेकन मेनी एग्जाम्पल्स ओवर हियर सच एज इनडायरेक्ट वेजेस, वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स इज फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी, बहुत सारे हैं और भी आप अपने बेसिस पे यहाँ पे लिख सकते हैं. जो कॉमन बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. उसके साथ आपको क्वेश्चन में कभी कभी दिया जाता है सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप. तो सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप को आपको लेस करना है. सो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बहुत सारे पॉइंट्स हैं. वो लिखने के बाद उनको अगर आप ऐड करोगे ओनली फैक्ट्री ओवरहेड्स तो आपको क्या मिलेगा? दैट विल बी टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स. फिर उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस करना है. फिर जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे. समझो ये हमें आंसर मिला, क्रॉस क्रॉस लिख रहा हूं. देन हमें क्या करना है? प्राइम कॉस्ट में ये जो फैक्ट्री का आंसर मिला इसे प्लस करना है.
सो हमें जो भी आंसर उसके बाद मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज वर्क्स कॉस्ट. सो वर्क्स कॉस्ट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट, बट वर्क्स कॉस्ट इज एन अप्रोप्रिएट वर्ड. अगर आप फैक्ट्री कॉस्ट भी लिखोगे तो गलत नहीं है. सो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे मिलता है या वर्क्स कॉस्ट कैसे मिलता है? प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के सारे फाइनल आंसर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा वर्क्स कॉस्ट. तो दिस इज माय वर्क्स कॉस्ट. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हाउ डू वी गेट प्राइम कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वी गेट द आंसर एज प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के सारे पॉइंट्स को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा वर्क्स कॉस्ट. तो हमारा पहला ओवरहेड्स है फैक्ट्री ओवरहेड्स. फर्दर फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद अगला जो ओवरहेड्स है दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. सो ऑल दिस पॉइंट्स विच विल बी रिलेटेड विद ऑफिस will be posted over here. I have taken many examples over here such as printing stationery, आपका office का खर्चा है, manager salary, depreciation on computer, general expenses, rent and taxes or n number of points you can take. These are some of the common points which I have taken. So पहला हमारा expense था या पहला हमारा overheads था factory. Second हमारा overheads कौन सा है? Office and administration. तो similar करना है जैसे factory के लिए किया था. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी पॉइंट्स है वो जितने भी पॉइंट्स है सबको हमें ऐड करना है और ऐसे बाहर लिखना है. फर्दर उसके बाद क्या करना है? वर्क्स कॉस्ट में जो आपका आंसर मिला है ये फैक्ट्री का जो वर्क्स कॉस्ट है उसका जो आंसर है वो और ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो आंसर है इसको हमें प्लस करना है. देन आफ्टर एडिंग दैट द टोटल विल बी कॉल्ड एज COP. COP इज वॉट? COP इज कॉस्ट ऑफ production. So I have written over the here the full form cost of production. So how do we get cost of production? Works cost plus office and administration overheads. तो आप अगर works cost में office and administration overheads को plus करोगे तो आपको मिलेगा cost of production. So cost of production is very important because इसी से आपके आगे का closing stock value होने वाला है, इसलिए ये गलत नहीं होना चाहिए. इसमें हम add करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर उसमें हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. और एक बेस याद रखना है, जो भी हम लेस करने वाले हैं उसे ब्रैकेट में लिखना है और जो भी हम ऐड करने वाले हैं उसे हम डायरेक्टली लिखेंगे. नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस? सो दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. दैट विल बी कॉल्ड एज COGS. तो शॉर्ट फॉर्म आई एम राइटिंग, फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखा है. COGS का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो आई हैव रिटन ओवर हियर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो हाउ डू वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. द आंसर विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो दैट इज अवर सेकेंड पार्ट. सो फर्स्ट ओवरहेड्स वॉज फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकेंड इज office and administration overheads, and here comes the third and the final one, that is selling and distribution overheads. तो selling and distribution मतलब ऐसे expenses जो हम sales करते वक्त लगाएंगे. That is मैंने यहाँ पे example लिखे हैं advertisement, delivery van expenses, carriage outward, salesman's commission, depreciation on delivery man. तो normally ये ही सारे expenses बहुत बार आपके पास paper में आएंगे. So बहुत सारे brand ambassador का expenses, तो whatever is related to sales is considered as selling and distribution overheads. So if you see from this, three points we are going to divide, all the expenses are divided into three heads. Number one, factory overheads. Number second, office and administration overheads. And number third is selling and distribution overheads. तो आपको क्या करना है? Question में आपको सारे points mix करके दिए जाएंगे. हमको उस mix points में से bifurcate करने हैं कि which point will be for factory, which will be for office, which will be for selling. और बाद में ये statement को हमें prepare करना है. फर्दर अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो सेलिंग के सारे एक्सपेंसेस अगर हम ऐड करेंगे तो हमें एक टोटल मिलेगा. एक टोटल मिलने के बाद COGS में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हमें ऐड करना है तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स.
सो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैन बी ऑल्सो कंसिडर एज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब मैंने आपको पहले ही सेशन में बताया था कि एक प्रोडक्ट बनाने में कंपनी को कितना एक्सपेंस होता है, वो जब तक कंपनी आइडेंटिफाई नहीं करेगा तब तक कंपनी अपने सेल्स को प्रॉपरली फिक्स नहीं कर सकता. सो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये आपका टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में फिर कंपनी क्या करता है, कुछ प्रॉफिट ऐड करता है. प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन द कंपनी कि कंपनी 10% प्रॉफिट चाहता है, 5% चाहता है, 20%. तो वॉट एवर प्रॉफिट दे फिक्स दैट विल बी कंसिडर एज द प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल्स. फर्दर आपको आंसर मिलेगा सेल्स. तो ये सिंपल कैलकुलेशन आपको हर बार सॉल्व करना है. सो दिस इज द पार्ट विच वी नीड टू सॉल्व एवरी टाइम एंड यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स ऑन प्रिपेयरिंग ऑफ कॉस्ट शीट. इफ यू सी देर आर टोटल 3 वराइटीज इन दिस चैप्टर. तो 3 टाइप के वराइटीज है जिसपे आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड दैट इज नंबर 1 नॉर्मल कॉस्ट शीट जिसमें आपको सिर्फ अमाउंट दिया जाएगा. नंबर 2 इज कॉस्ट शीट विच इंक्लूड्स यूनिट्स जिसमें आपको कॉस्ट पर यूनिट के कैलकुलेशंस करने हैं. एंड नंबर 3 इज एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. एस्टिमेटेड इज वॉट वी आर प्रेडिक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईयर नेक्स्ट ईयर कितना हमारा खर्चा हो सकता है. ये हम क्या करने वाले हैं, ये हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं. तो ऐसे 3 टाइप के कॉस्ट शीट्स आपको इस चैप्टर में सीखने हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज यही चैप्टर का बेस अगला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे रिकंसिलेशन उसमें भी यूज होगा बिकॉज यही फॉर्मेट आपको रिकंसिलेशन में भी करना है. तो सिंपल फॉर्मेट है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे. काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको बताया बिकॉज बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं. अगर आप कोई भी बुक रेफर करोगे तो उसमें कैसा है, दो दो पेजेस का फॉर्मेट दिया है, वो 2 पेज का क्यों है और ये इतना छोटा क्यों है. बिकॉज 2 पेज का इसलिए कि फैक्ट्री के बहुत सारे एक्सपेंसेस दे हैव गिवन यू, बट इफ यू अंडरस्टैंड विच आर फैक्ट्री रिलेटेड Why to buy at this? So, इसीलिए आपको सिर्फ हेडिंग याद रखना है. सो क्या है हमारा हेडिंग, सिंपल, डायरेक्ट मटीरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. आंसर मिलेगा प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में अगर हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स तो आंसर मिलेगा वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट में अगर हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स तो हमें आंसर मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल गेट COGS. What's the full form of COGS? Cost of goods sold. If you add selling and distribution overheads in cost of goods sold, you will get the answer as cost of sales. And if you add the profit which is given in the question as percentage 10-20%, that will be considered as the profit. The final answer will be sales. So that is the simple format which we need to remember. This is the theoretical part related to the format. So try to learn this format properly, which you can use for your question solving in the next sessions to come. तो next session में हम question solve करने वाले हैं cost sheet से related, किसको किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. Thank you very much. Next session में मिलेंगे कुछ नए points के साथ.